नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन इंडिया पर। और अभी हम बात करने वाले हैं आज भारत बंद के बारे में, साथ ही किसान आंदोलन से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों के बारे में। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने एजुकेशन इंडिया को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको आगे भी ऐसे वीडियोस देखने को मिल सके। और साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर तो अवश्य ही करिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा कि आप किसानों का समर्थन करते हैं या फिर नहीं, और क्या आप चाहते हैं कि इन तीनों कृषि कानूनों को सरकार वापस ले ले या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं किसान आंदोलन और भारत बंद से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। तो जैसा कि किसानों ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि 8 दिसंबर को भारत बंद रहेगा, और ये बात हर किसी व्यक्ति के पास पहुंच गई थी, और इसी को लेकर सरकार ने भी कई बड़े फैसले लिए हैं। और उनमें से एक बड़ा फैसला यह भी है कि सरकार ने कई ट्रेनें रद्द कर दी है, क्योंकि सरकार को पता है कि अगर किसानों ने ऐलान किया है तो हो सकता है कि कई ट्रेनों को बीच रास्ते ही रोक दिया जाए। ऐसे में ट्रेनों को रद्द करना ही सही रहेगा, और ऐसा ही सरकार ने किया। साथ ही आज ट्विटर पर भी कई ट्रेंड छाए हुए हैं, वह हैशटैग भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ और बड़ी खबरें भी जान लेते हैं। तो जैसा कि हमने पहले बताया कि कई ट्रेनें रद्द हो चुकी है, तो अगर किसी को पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है कि वो ट्रेन तो रद्द नहीं हुई, क्योंकि कई ट्रेनें आंशिक रूप से ही रद्द की गई है। ये दरअसल ट्रेनें ऐसी है जो कि हरियाणा से चलती है, या फिर हो सकता है मध्य प्रदेश, और हो सकता है कि पंजाब में चलती हो। ऐसे में आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कुछ और बड़ी खबरें भी आपको बता देते हैं। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी एक बड़ा बयान सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल भारत बंद का समर्थन नहीं करता है, लेकिन हम किसान आंदोलन और किसानों का समर्थन जरूर करते हैं, और सरकार जल्द से जल्द इन कानूनों को वापस ले ले, नहीं तो मोदी जी की सरकार जाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ऐसा कहा गया ममता बनर्जी द्वारा। आपको बता दें, भाजपा और एनडीए के 24 विरोधी पार्टियों का दावा है कि वो किसानों का समर्थन कर रहे हैं, और वाकई में वो कर भी रहे हैं, क्योंकि वो विपक्ष में है और विपक्ष को ही जनता की चिंता होती है, ये इतिहास बताता है। इसके साथ ही किसानों का एक और बड़ा बयान ये भी सामने आया है कि जो भारत बंद में हमारा समर्थन करना चाहता है वो कर सकता है, और जो नहीं करना चाहता है उनके साथ हमारी कोई जबरदस्ती नहीं है। और इससे पहले किसानों ने यह भी कहा था कि अगर सरकार नहीं मानती है तो हमारे पास इतना खाना है, इतना फूड है कि हम अगले एक साल तक लगातार आंदोलन कर सकते हैं। अब कल यानी 9 दिसंबर को एक और बैठक होने वाली है, और ये बैठक होने वाली सरकार और किसान संगठन के बीच में, और इस बैठक के बाद भी हो सकता है कि कोई बड़ा निर्णय ले लिया जाए। हालांकि सरकार ने कहा है कि हम समाधान के लिए तैयार है, हालांकि ये तीनों कृषि कानून हम वापस नहीं लेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ समाधान करने के लिए तैयार है। लेकिन किसान चाहते हैं कि हमें तो पूरे के पूरे कृषि बिल ही वापस चाहिए, इन्हें सरकार वापस ले ले। तो इसके साथ ही जो ट्विटर पर आज हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं वो यह है कि आज भारत बंद है, लेकिन इसके विपक्ष में एक और ट्रेंड हो रहा है कि हर शहर चालू है। इसके साथ ही एक और हैशटैग भी फार्मर से जुड़ा ट्रेंड हो रहा है, और यह है नो फार्मर नो फूड। और यह सही बात है, जब अन्नदाता ही नहीं रहेंगे तो अन्न कहां से आएगा, क्योंकि अन्नदाता रहेंगे, जब फार्मर्स रहेंगे तभी बीज बोएंगे, और जो बीज बोएंगे वही तो फसल उगाएंगे, और जब फसल उगाएंगे तभी तो हर किसी के पास भोजन पहुंच सकेगा। ऐसे में सरकार क्या कहती है कल के बैठक के बाद पता चल पाएगा, और जैसे ही कोई सरकार का बयान आता है वैसे ही हम आपको बताते रहेंगे। आप एजुकेशन इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको आगे भी ऐसे वीडियोस देखने को मिल सके और हर एक बड़ी खबर सबसे पहले देखने को
मिल सके। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।